क्वेश्चन और उनका कुछ नहीं। तकदीर हमेशा अपना करिश्मा दिखाई, मेरी तकदीर हमेशा से बनी थी। सीटल पश्मीना में आने वाला है शादी वाला ट्विस्ट। जी हाँ, ये शादी किसी और की नहीं बल्कि राघव और आयशा की होने वाली है। किसी ने मुझसे कहा था कि कभी कभी तकदीर को छोड़ देना चाहिए। हम सोचते कुछ है और होता कुछ और। तकदीर हमेशा अपना करिश्मा दिखाई देती है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही। अपनी तकदीर से लड़ने चला था, तकदीर ने अपना करिश्मा दिखाई। मेरी तकदीर हमेशा से दरअसल बात यह है कि पश्मीना की शूटिंग अब मुंबई में हो रही है और यहाँ कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि राघव और आयशा की शादी होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि पश्मीना भी यहाँ पहुंच चुकी है। और ट्विस्ट ये है कि राघव और पश्मीना दोनों ही इस बात से अनजान हैं। पहले ये तो रही इस ट्विस्ट की बात, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं राघव और आयशा की हल्दी सेरेमनी में। सभी काफी खुश हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, डांस भी हो रहा है, वो भी कश्मीरी सॉन्ग पे। राघव खुश नहीं लग रहा, क्योंकि राघव तो ये शादी सिर्फ आयशा और फैमिली की खुशी के लिए कर रहा है। राघव का असली प्यार तो पश्मीना है। चलिए खुद जानते हैं राघव से इस पूरी सीक्वेंस के बारे में। इनका थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि कश्मीर में इतनी ठंडी और मुंबई में सडनली, मुंबई में भी अभी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है, राइट? मुंबई में जो ठंड पड़ रही है इस वक्त वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में ऐसी ठंड थी कि आप घर के अंदर बैठे होंगे कंबल डाल के तो आपके मुंह से धुएं निकल रहे होते हैं सांस लेते वक्त, वो ठंड थी। और यहाँ पर धुएं से गर्मी के तो बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। प्लीज बताइए कि थोड़ा सा यू नो डांस सीक्वेंस चल रहा है जिसमें पहली बात तो ये कि राघव डांस वैसे भी नहीं करता, अ डांसर इज नॉट अ वेरी कलरफुल वाइब्रेंट पर्सन, ही इज समबडी हु इज वेरी इनर्ट, मतलब सारी फीलिंग दबा के अंदर रखता है, हाँ रिजर्व्ड है, इनर्ट है। और उसको लगता है कि इस वक्त पश्मीना जिससे उसको प्यार हो गया था, लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ था, उसने उसके साथ गलत किया है। शी लाइड टू हिम, शी इज काइंड ऑफ चीटेड हिम बाय नॉट टेलिंग हिम दैट शी इज गेटिंग मैरिड टू पारस। और वो दर्द उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस दर्द को दबा रहा है वो इस वक्त, और आयशा से शादी करने जा रहा है बिकॉज उसमें पूरे परिवार की खुशी है एंड आयशा की खुशी है, एंड ही थिंक्स दैट समवेयर आई हैड मेड अ प्रॉमिस टू लेट्स फिनिश दैट एंड डू इट प्रॉपरली एंड ऑल दैट। तो बहुत अंदर ही इंसान इस वक्त डिप्रेस्ड है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू हैव अ, ही इज पुटिंग अप अ स्माइलिंग हैप्पी फेस। तो वो आपको दिखेगा कि ही इज जस्ट देयर बट नॉट देयर इन द होल सीन। राघव गलत कर रहे हैं
बिल्कुल फीलिंग्स दबानी नहीं चाहिए, बता देनी चाहिए। लेकिन लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जो हर चीज़ अपनी बता देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने दर्द को खुद ही पीना पसंद करते हैं, दे डोंट लाइक टू शेयर इट विद अदर्स। और उनको लगता है कि अगर फैमिली की खुशी किसी चीज़ में है, उसमें मेरा दुख है, तो वो इंसान दुख ले लेता है। तो राघव उस टाइप का कैरेक्टर है।